Hi guys, welcome to history classes. This is Ruksana Nabi. I hope you are all doing great by the grace of Almighty Allah. Today in this lecture, we will discuss agriculture and crop pattern in Jammu and Kashmir. So guys, let us get started. स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एसेंशियली एक माउंटेनियस स्टेट है. स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का ओनली 30% रिपोर्टिंग एरिया जो है ये अंडर कल्टिवेशन है और अभी तक एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट. सो हम कह सकते हैं कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी है इट इज़ एग्रेरियन इकॉनमी. अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी है क्लाइमेट में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स कल्टीवेट किए जाते हैं. जो एग्रीकल्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज 15.8%. हम देखेंगे जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है इसको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी. जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड है 4 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में. वो जोन्स है लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन जिसको JK1 कहते हैं, नंबर 2 मिड टू हाई अल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन जिसको JK2 कहते हैं, 3rd इज मिड टू हाई अल्टीट्यूड टेम्परेट जोन जिसको JK3 कहते हैं, 4th इज कोल्ड एरिड जोन जिसको JK4 भी कहते हैं. हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन जिसको ऑल्सो JK1 भी कहते हैं. ये जोन जो है ये कैरेक्टराइज्ड है बाय मॉनसून, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, हॉट स्पेल ऑफ समर. रिलेटिवली यहाँ पे ड्राई होता है बट प्रोनाउंस्ड विंटर्स होते हैं. ये जोन कंप्राइज करता है होल जम्मू डिस्ट्रिक्ट को एंड लोअर पार्ट्स ऑफ कुटवा, उधमपुर, पुंछ एंड रजौरी डिस्ट्रिक्ट्स. मैक्सिमम रेनफॉल इस जोन का रिसीव होता है ज्यूरिंग जुलाई सितंबर और मीन हाइट जो है इस जोन की अबो द सी लेवल वो रेंज होती है फ्रॉम लेस देन 300 meters टू 1350 meters. इस जोन के हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं मई, जून एंड जुलाई और इस जोन के कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. इस जोन के कुछ सब जोन्स हैं आउटर हिल्स में जिनकी स्लाइटली हायर एलिवेशन है देन द सब ट्रॉपिकल जोन. इस जोन में एल्यूवियल सॉइल फाउंड की जाती है जो सपोर्ट करता है मेज, वीट, सीरियल्स. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दैट इज मिड टू हाई अल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन जिसको आल्सो JK2 भी कहते हैं. जो मिड टू हाई अल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन है दैट इज द JK2 जोन. ये जोन कैरेक्टराइज्ड है बाय मॉनसून, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, रिलेटिवली वेटर, कोल्ड विंटर्स और यहाँ का हायर मीन एनुअल रेनफॉल होता है.
ये जोन जो है ये सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ट्रांजिशन जोन है और ये कंप्राइज करता है मिड एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज ऑफ द पीर पंजाल ट्रैप। ये जोन इंक्लूड करता है ऑल द एरियाज अबोव द आउटर हिल्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डोडा पुंछ पार्ट्स ऑफ राजौरी उधमपुर एंड कठुआ। इस जोन की जो सॉइल है वो बिल्कुल सिकेटेड है और वो ज़्यादा थिक नहीं होती है। ये जोन रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून मोस्टली इन समर्स में एंड नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंसेस इन विंटर्स में। ये जोन जो है ये वेरी होता है इन एलिवेशन में फ्रॉम 800 to 1500 meters इन मिड ऑल्टीट्यूड एंड अप टू 4000 meters इन हायर ऑल्टीट्यूड। इस जोन में पाई जाती है, इस जोन में फ्लो करता है रिवर चिनाब और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो कि कंट्रीब्यूट करता है मेजर ड्रेनेज बेसन ऑफ दिस जोन। और इसके सब जोन मार्क्स जो है वो लिमिट होते हैं बिटवीन द वेली टेम्परेट एंड कोल्ड एरिड जोन। और ये जोन सपोर्ट करता है व्हीट एंड शुगर केन कल्टीवेशन को। उसके बाद है नेक्स्ट दैट इज मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन। मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन इसको ऑल्सो JK3 भी कहते हैं। JK3 जो है ये जोन एक्सपीरियंस करता है वेट एंड सीवियर विंटर विद फ्रॉस्ट स्नो एंड रेन एंड रिलेटिवली ड्राई एंड वार्म समर्स। ये जोन एसेंशियली कवर करता है वैली ऑफ कश्मीर जो कंप्राइज करता है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अनंतनाग पुलवामा श्रीनगर बडगाम बारामूला एंड कुपवारा। जो सॉइल है कश्मीर वैली की दैट इज JK3 जोन की वो है एल्यूवियल विद इरिगेटेड एरिया ऑफ अबाउट 62%। और इस जोन को इसीलिए कल्टीवेटर्स पैराडाइज भी कहते हैं। ये जोन रिसीव करता है एनुअल रेनफॉल ऑफ अराउंड 680 mm जिसका 70% रिसीव होता है इन विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में दैट इज फ्रॉम दिसंबर टू मई। ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर जो है JK3 जोन का वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट मंथ्स में और वो वेरी होता है फ्रॉम 1.2 डिग्री सेल्सियस टू 24.5 डिग्री सेल्सियस। जो एलिवेशन है JK3 की वो वेरी करती है फ्रॉम 1560 टू 1950 meters। इन मिड बेल्ट इट रेंजेस फ्रॉम 2400 to 3000 meters एंड 4200 meters इन स्नो बाउंड एरियाज। यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है राइस वीट मेज शुगर केन और ऑयल सीड्स भी इस जोन में ग्रो किए जाते हैं। जो एलिवेशन है JK3 जोन की वो वेरी होती है फ्रॉम 156 to 1950 meters। उसके बाद है कोल्ड एरिड जोन इसको ऑल्सो JK4 भी कहते हैं। ये रीजन जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट टिप है एशियन सब कॉन्टिनेंट का बिटवीन द कराकोरम एंड द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस
और ये इंटरवोवन है विद द रगेड माउंटेन्स। एरिड जोन कंप्राइज करता है कोल्ड एरिड रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयस एंड हॉट एरिड रीजन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड पेनिनसुलर इंडिया। जो कोल्ड एरिड रीजन है वेस्टर्न हिमालयस का, वो मेनली कंप्राइज करता है लद्दाख। जो कल्टीवेशन है JK4 की, वो वेरी लिमिटेड है ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। और यहाँ पे बार्ली मेन क्रॉप ग्रो किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। देर आर टू लेजिस्लेशंस जिनको एनेक्ट किया गया है बाय द स्टेट लेजिस्लेशन, जिन लेजिस्लेशंस की वजह से रिस्ट्रिक्ट है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन स्टेट। वो कौन से लेजिस्लेशंस है? पहला है कन्वर्जन एक्ट, नंबर सेकंड इज द कच एक्ट। कन्वर्जन एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर को फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरिगेटेड लैंड इन ऑर्चर्ड, और कच एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेटर्स को फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग द मेडिसिनल वैल्यू, और ये हैम्पर करता है ग्रोथ ऑफ सम एरियाज। इसकी वजह से, इन दो एक्ट्स की वजह से जो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो नहीं हो पाया है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है ये तो है माउंटेनियस स्टेट है। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस स्टेट, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की, वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती है बाय नेचर। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर की, वो नेचुरली रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे वेरिड क्रॉपिंग पैटर्न्स पाए जाते हैं स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। इन द थ्री रीजन्स ऑफ द स्टेट, दैट इज इन जम्मू, इन कश्मीर एंड इन लद्दाख। सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप्स इन जम्मू रीजन, दैट इज द क्रॉप पैटर्न एंड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन जम्मू रीजन। वो है जम्मू रीजन जो है ये प्लेन है, प्लेन एरिया, एंड जो हिल्स है जम्मू रीजन के, ये डोमिनेटेड होते हैं बाय व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, फूड एंड ऑयल सीड्स। खरीफ क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं इन समर, और खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है इन ऑटम। खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर करते हैं मोर टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल। खरीफ क्रॉप्स में राइस, मेज, जवार आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जम्मू रीजन में इन विंटर्स, और रबी क्रॉप्स को जम्मू में हार्वेस्ट किया जाता है इन स्प्रिंग। रबी क्रॉप्स में आते हैं वीट, बार्ली, ऑयल सीड्स, पीज एंड फूड क्रॉप्स। उसके बाद है जम्मू रीजन में जैद क्रॉप्स भी ग्रोन किए जाते हैं। जैद क्रॉप्स जो है ये वो क्रॉप्स है जिनको हम ग्रो करते हैं अंडर आर्टिफिशियल इरिगेशन इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। इनको ऑल्सो जैद खरीफ भी कहते हैं और जैद रबी भी कहते हैं। इनमें आते हैं लीफी एंड ट्यूबर वेजिटेबल्स जो एज जैद क्रॉप ग्रो किए जाते हैं इन जम्मू रीजन। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉप्स इन कश्मीर रीजन।
कश्मीर वैली वेल नोन है फॉर द फ्रूट्स सच एज एप्पल पीच चेरी एंड फॉर क्रॉप्स लाइक राइस मेज एंड व्हीट इन फ्यू एरियाज. इन कश्मीर लैंड जो है वो जनरली प्रोड्यूस करती है वन क्रॉप अ ईयर. उसको हम कहते हैं उस लैंड को एक फसली लैंड. जो हाईली कल्टिवेटेड गार्डन लैंड है श्रीनगर के एंड इन अदर टाउन्स के वो गिव करते हैं मोर देन वन क्रॉप अ ईयर. उनको हम कहते हैं दैट इज़ द दो फसली लैंड. तो देयर इज नो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स अदरवाइज. राइस एंड मेज जो है वो सोन किए जाते हैं रीजन जम्मू एंड कश्मीर में इन मार्च एंड अप्रैल और राइस एंड मेज को हार्वेस्ट किया जाता है इन सेप्टेम्बर अक्टूबर. राइस जो है ये टेक करता है लॉन्गर टाइम टू राइपन इन कश्मीर रीजन देन इन प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जहाँ पे ये सो किया जाता है इन जुलाई. वीट एंड बार्ली जो है ये ऑल्सो सो किए जाते हैं इन अक्टूबर नवंबर और इनको हार्वेस्ट किया जाता है इन जून एंड जुलाई. लिनसीड्स जो है ये भी ऑल्सो हार्वेस्ट किए जाते हैं इन जुलाई एंड अगस्त. कॉटन प्रिकिंग कमेंस होती है कश्मीर रीजन में इन अगस्त सितंबर. क्रॉप्स इन लद्दाख रीजन हम देखेंगे क्रॉप्स इन लद्दाख रीजन. इन लद्दाख रीजन लाइक कश्मीर देयर इज नो कस्टमरी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. बट यहाँ पे क्या होता है वीट जो है इसको ग्रो नहीं किया जाता है ऑन द सेम लैंड फॉर मोर देन 2 to 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स बिकॉज ये इसकी वजह से रिड्यूस होती है सॉइल की फर्टिलिटी. वीट को हमेशा फॉलो किया जाता है बाय ग्राम पियर और मस्टर्ड सीड्स फॉर अ ईयर ताकि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेंटेन रहे. उसके बाद हम देखेंगे इन सम विलेजेस ऑफ लद्दाख लैंड जो है उसको दो फसली कहते हैं बिकॉज उस लैंड पे क्या होता है उस वो लैंड गिव करती है 2 crops अ ईयर. जो टाइम ऑफ सोइंग है इन द फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स वो डिफर करता है फ्रॉम एरिया टू एरिया. इन लो लाइंग एरियाज ऑफ लद्दाख जहाँ पे खरीफ क्रॉप मेज जो है ये फॉलो होता है ये फॉलो करता है वीट को और जो फार्मर क्रॉप है ये सो किया जाता है एनी टाइम फ्रॉम 15 नवंबर टू 15 जनवरी जब सॉइल फ्रॉस्टी नहीं होती है. तो मेज जो है इसको सोन किया जाता है इन जुलाई एंड अगस्त इन विलेजेस जहाँ पे ग्राम रेज होता है एज ए रबी क्रॉप इंस्टेड ऑफ वीट और ग्राम जो है ये सो किया जाता है आफ्टर 15 जनवरी टू गिव कल्टिवेटर सफिशेंट टाइम फॉर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग मेज इन द खरीफ. उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जैसे राइस वीट मेज ऑयल सीड्स पल्सेस सेफ्रॉन बार्ली. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जम्मू एंड कश्मीर के जिनको हम वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे. राइस राइस जो है ये स्टेपल फूड है कश्मीरीज का. राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है और इसको सो किया जाता है इन मार्च एंड अप्रैल
और हार्वेस्ट होता है ये इन ऑटम। जो कल्टीवेशन ऑफ राइस है ये रिक्वायर करता है हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। राइस जो है ये ग्रो होता है मोस्टली इन द वैली ऑफ कश्मीर एट 2100 मीटर्स अबोव द सी लेवल। जो कश्मीर वैली है इसको राइस बाउल ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं। इन द प्लेन एरियाज ऑफ जम्मू रीजन राइस जो है ये सो किया जाता है इन जून जुलाई एंड हार्वेस्ट किया जाता है इन ऑटम। जो तहसील रणबीर सिंह पोरा है जम्मू का ये बहुत ही फेमस है फॉर बासमती राइस और इसको ऑल्सो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कुछ मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के, जैसे अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवारा, श्रीनगर, पुलवामा एंड कठुआ। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्रॉप को, दैट इज वीट। वीट जो है ये खरीफ क्रॉप है लद्दाख रीजन का और ये रेबी क्रॉप है इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। वीट रिक्वायर करता है कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट इन द बिगनिंग बट वार्म एंड ड्राई वेदर एट हार्वेस्ट टाइम। वीट सो किया जाता है इन अगस्त एंड हार्वेस्ट किया जाता है इसको इन मार्च अप्रैल में। एवरेज रेनफॉल जो है वीट प्रोडक्शन के लिए वो होना चाहिए 50 to 70 सेंटीमीटर एट रेगुलर इंटरवल्स। वीट जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है इन द एंटायर आउटर प्लेन्स एंड आउटर हिल्स पे। इम्पॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के वो है कठुआ, रणबीर सिंह पोरा, सांबा एंड रियासी। इन कश्मीर अगर हम देखेंगे कश्मीर में वीट को ग्रो किया जाता है लाइक ग्रास। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दैट इज द मेज। मेज इम्पॉर्टेंट क्रॉप है स्टेट का एंड ये कवर करता है अराउंड 30% ऑफ क्रॉपड एरिया। मेज को सो किया जाता है इन में जुलाई एंड हार्वेस्ट किया जाता है इसको इन अगस्त नवंबर। मेज कल्टीवेशन रिक्वायर करता है हॉट ड्राई क्लाइमेट और ये रिक्वायर करता है रेनफॉल फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर। मेज कल्टीवेट होता है ऑन द कैरी वॉल लैंड पे, दैट इज एलिवेटेड लैंड जो फ्लैट होते हैं फ्रॉम द टॉप इन कश्मीर वैली। जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं मेज की वो है राजौरी, डोडा, पुंछ, कुपवारा, बारामुल्ला एंड अनंतनाग। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है स्टेट का। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का। आउट ऑफ 5700 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेटेड एरिया फॉर सैफरॉन इन इंडिया 4490 हेक्टेयर्स लाई इन जम्मू एंड कश्मीर। सैफरॉन कल्टिवेशन के लिए मॉडरेट वेदर क्लाइमेट वेदर कंडीशंस होनी चाहिए, दैट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इज नीडेड फॉर इट। सैफ्रॉन कल्टीवेशन रिक्वायर करता है 75 to 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल।
सेफ्रॉन सोइंग डन होती है इन जून एंड सेफ्रॉन हार्वेस्टिंग होती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सेफ्रॉन क्रॉप जो है ये एक्सपेंसिव होता है टू ग्रो एंड ये रिक्वायर करता है लॉट ऑफ मैनुअल लेबर। सिंस जो थ्रेड्स ऑफ ए फ्लावर दैट इज अ स्टिग्माइड स्टाइल जो होता है टू बी कलेक्टेड। इट इज ग्रोन इन द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट वेयर सेफ्रॉन कल्टिवेशन इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। पाम्पोर टाउन 15 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर इज वर्ल्ड फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग हाई ग्रेड सेफ्रॉन। अराउंड 2,128 किलोग्राम्स ऑफ सेफ्रॉन इज ग्रोन एनुअली इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम देखेंगे ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स रिक्वायर करते हैं हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ऑयल सीड्स ग्रोन होते हैं ऑल ओवर कश्मीर रीजन। ये ग्रोन होते हैं एज अ रबी क्रॉप। ये सोन होते हैं इन नवंबर एंड हार्वेस्ट होते हैं इन जून। ये रिक्वायर करते हैं 70 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है वो है अनंतनाग एंड श्रीनगर। उसके बाद हम देखेंगे पल्सेस। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ स्टेट जो है वो सूटेबल होता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस। ये लार्जली ग्रोन होते हैं ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड द पल्सेस ऑफ कश्मीर वैली आर वेल नोन फॉर देयर क्वालिटी। पल्सेस जो है इनको ऑल्सो ग्रोन किए जाते हैं ये ऑल्सो ग्रोन किए जाते हैं एज अ रबी क्रॉप। इन जम्मू इट इज अ माइनर खरीफ क्रॉप। उसके बाद देखेंगे हम बार्ली। बार्ली स्टेपल क्रॉप है लद्दाख का। ये ग्रो होता है इन समर मंथ्स अलोंग विद मिलेट्स पीस एंड मस्टर्ड। बार्ली कल्टीवेशन रिक्वायर करता है वेरी लिटिल रेनफॉल अराउंड 30 to 60 सेंटीमीटर्स एंड ये राइपन होता है इन स्पान ऑफ 4 मंथ्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉप पैटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।